मिलावटी नहीं है, हैं? मिलावटी हैं हम लोग। माता जी मिलावटी हैं आप? 24 कैरेट की सोना है पूरी खरी, मिलावट है? हाँ, हम सबके अंदर मिलावट है। एक छोटा सा बच्चा हो, आप उस छोटे से बच्चे को एक थप्पड़ मारो, 5-6 साल का कोई बच्चा हो, आप थप्पड़ मारो तो वो रोने लगेगा, और थोड़ी देर बाद आप उससे कहो कि चलो टॉफी खिलाने ले चलता हूँ, तो खुश होकर टॉफी खाने चल देगा। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा और 20 साल के बच्चे को आप थप्पड़ मारो और फिर कहो चल टॉफी खाने, तो क्या करेगा? सबसे पहले डंडा लाएगा और कहेगा पहले मैं तुझे मारूंगा, बाद में मुझे टॉफी खिलाना। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तो हमारे अंदर भी लावट होते गई। एक 6 साल का, 6 महीने का बच्चा क्रोध करके नहीं जानता, एक 6 साल का बच्चा ईर्ष्या नहीं जानता। क्या 6 साल के बच्चे के अंदर काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है? नहीं होता। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तो उसमें मिलावट होते गई। अब उसके अंदर काम भी आ गया, उसके अंदर क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, अभिमान भी आ गया, संसार सब गुण आ गए, और वो महामिलावटी हो गया। और भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो वो प्रिय हैं जिनके अंदर मिलावट ना हो, जैसे बच्चा। हनुमान जी की कैसी भक्ति थी जानते हो? बच्चे जैसी है, कि एक 6 महीने का बच्चा है, उसके सामने 440 वोल्ट का करंट रख दो तो क्या करेगा जानते हो? छू लेगा तुरंत, उसको नहीं पता कि ये क्या है। वो भक्ति में इतना भोला है कि वो तुरंत उसको छू लेगा। भक्ति कैसी हो? बच्चे जैसी हो, जहां ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना अभिमान हो। जब सब शून्य हो जाए उसके बाद हम भक्ति करें तो वो भक्ति सफल है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर मिलावट कैसे आती है? आप एक तरफ सोने के ढेर पर बच्चे को बिठा दो, एक सोने का ढेर बनाओ, उस पे बच्चे को बिठा दो और एक तरफ उसकी माँ को बिठा दो, तो वो सोने के ढेर को लात मारेगा और माँ की गोद में बैठ जाएगा। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर एक तरफ माँ को बिठा दो और एक तरफ सोने के ढेर को बिठा दो, फिर क्या करेगा आप बता दो आगे का। जब बच्चा था तो सोने के ढेर पर बिठा दो, बड़ा सा ढेर लगा दो जितना आपको लगाना है, और एक तरफ माँ को बिठा दो, थोड़ी देर बैठेगा, लात मार के आके माँ गोद में बैठ जाएगा। और जब वही बच्चा बड़ा हुआ तो बड़े होने के बाद उसमें मिलावट हो गई, फिर वो क्या करेगा, माँ को मारेगा और जाके सोने के ढेर को पकड़ लेगा। बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि जो था अभिशाप उसे वरदान समझ बैठे, जो था अभिशाप उसे वरदान समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे, जो था अभिशाप उसे वरदान समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। पहले तो माँ बाप को ही दौलत समझते थे, आज तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे।